Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice सीरीज चल रही है उसका next question को आज हम लोग करने वाले हैं. But before I must let you know that I have an agriculture optional course. When you go to the playlist section of this channel, you will find two courses. You will find two playlists. One will be agriculture optional paper 1, another will be agriculture optional paper 2. तो इन दोनों प्लेलिस्ट के मदद से मैंने पूरे एग्रीकल्चर ऑप्शन को कवर किया हुआ है. सो यू कैन चेक इट आउट और इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू देन डू मस्ट वॉच. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन. टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्लोन. क्लोन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोनल सिलेक्शन. क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है एंड डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्लोनल सिलेक्शन. और क्लोनल सिलेक्शन के जो स्टेप्स हैं, How do we do clonal selection? उसको हम लोग को डिस्क्राइब करना है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास आपको करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे. यू कैन सी द ग्रोथ इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स डे बाय डे व्हेन यू प्रैक्टिस एंड राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स ऑन रेगुलर बेसिस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. So first what is clone? Clone क्या होता है? So it is the progeny of single parent produced by asexual reproduction. किसका progeny है? Single parent का. किससे produced by asexual reproduction से. Obviously हम सब जानते हैं sexual reproduction से produce होता है. तो उसमें क्या लगते हैं हमारे two parents, parent A या parent B, जो भी male और female parent, male and female parent. तो अगर ये दोनों parents से मिलके कोई एक offspring होता तो उसमें क्या male के भी characters होते हैं और फीमेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं. तो वो क्लोन नहीं हो पाता. वो आप सब अगर हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, अगर आप सारे ह्यूमन बींग को देखो तो क्या सब सेम है? नहीं, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे. सब किसी का नाक बड़ा है, किसी का छोटा है, तो वो सब आपको दिखेगा. पर यू विल नॉट फाइंड डिस्टिंक्स इन क्लोन, क्योंकि क्लोन में क्या सिंगल पेरेंट्स वो डेवलप हो रहा है. मान के चलो एक प्लांट है, ठीक है, एक रोज का प्लांट है एग्जाम्पल. ये रोज तो है नहीं, पर मैं समझा इट इज द प्लांट ऑफ रोज. तो इसका जो क्लोन होगा यू विल फाइंड दैट इट इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट. हालांकि उसके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं हम लोग जो क्लोनल सिलेक्शन से हम लोग करते हैं. देयर कुड बी गुड कैरेक्टर्स. बट अगर आप इसको विजुअली देखोगे, व्हेन यू विल सी विजुअली, यू विल फाइंड इट इज वेरी सिमिलर, एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ इट पेरेंट्स. ये जो एग्जैक्ट सेम कॉपी दिखेगा अपने पेरेंट का, एग्जैक्ट सेम दिखेगा ये प्लांट, ये भी रोज. सो दिस इज व्हाट ए क्लोन इज. तो ये होगा, वो समझ में आ गया एक क्लोन क्या होता है. नाउ मूविंग टू द व्हाट इज क्लोनल सिलेक्शन. क्वेश्चन को आप तीन पार्ट में बांट दो. तीन पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ रही है. एक से तो पहले आपको पहले से आपको पूछ रही है कि क्या क्लोन है. दूसरा पूछ रही है क्लोनल सिलेक्शन क्या है. और तीसरा पूछ रही है स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है. तो क्लोन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, क्लोन क्या होता है आप समझ गए. क्लोन क्या होता है आप लिख भी दोगे इसको आंसर्स में. क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, तो इट इज अ सिलेक्शन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल मेंबर ऑफ क्लोन. जो मोस्ट डिजायरेबल क्लोन है उसको सेलेक्ट करना फॉर कंटिन्यूड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रादर देन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट डिजायरेबल क्लोन होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसकी कंटिन्यूड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं. ठीक है, कंटिन्यूड एसेक्सुअल प्रोपेगेशन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, वो कंटिन्यूड करते हैं ताकि जो भी कैरेक्टर उसके अंदर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो ईल्ड से लेकर के हो, चाहे किसी डिजीज रेजिस्टेंस को लेकर के हो, वो हम उसमें डेवलप करा पाए. एंड दैट जो हम लोगों ने डेवलप कराया हुआ कैरेक्टर था ऑन दैट क्लोन, उसको हम लोग यूज कर पाए फर्दर टू इनहेंस आवर ईल्ड्स और अदर कैरेक्टर्स व्हिच वी हैव फॉर व्हिच वी हैव डेवलप्ड फॉर. सो ये होता है क्लोनल सिलेक्शन. जो मोस्ट डिजायरेबल मेंबर ऑफ क्लोन है, मान के चलो ये क्लोन है कोई, ठीक है, इसके अंदर मान के चलो अच्छी ईल्ड ये दे रहा है और हम चाहते हैं कि हम इसे डेवलप कराएं ताकि एक ऐसा वैरायटी बने जो कि बहुत अच्छी यील्ड दे. तो इस क्लोन को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूड वेजिटेटिव प्रोपगेशन और यू कैन से कंटिन्यूड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, जिससे कि ये अच्छी यील्ड वाली जो इसमें क्वालिटीज हैं वो इनहेंस हो और वो आगे चल के एक अच्छी वैरायटी बनकर डेवलप हो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट क्लोनल सिलेक्शन इज. और क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है, देखो जेनेटिक कंसिस्टेंसी मेंटेन, क्योंकि क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है तो इसमें क्या वेरिएबिलिटी आपको देखने है, वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी. क्योंकि वो दो पेरेंट से बनते होते तो वेरिएबल दोनों कैरेक्टर्स आएंगे तो डेट विल बी नॉट कॉन्स्टेंसी, वो वेरिएबिलिटी दिखाएंगे, सो करेंगे वेरिएबिलिटी. बट इन क्लोन दे सो कंसिस्टेंसी, ओके, कंसिस्टेंसी वो
कॉन्स्टेंसी दिखाएंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे पेरेंट्स के एक तरह कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग कैरेक्टर होते हैं, जो भी क्वालिटी ट्रेट्स होते हैं जिसके अगले हम लोग क्रोनल सेलेक्शन करते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होते हैं, they remain present in the plant for long time or that a variety for the long time. So it is one of the merits of clonal selection. So, I hope you understand what clonal selection is, what clone is. Now let's move to the next part, that is steps involved. Steps involved in clonal selection. तो क्या क्या steps involved होते हैं clonal selection में? तो देखिए क्लोनल सिलेक्शन में किस ईयर में, एक्चुअली क्लोनल सिलेक्शन को ऊपर डेवलप करने में वी टेक 9 ईयर्स, अराउंड 9 ईयर्स हम लोग को लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस किस ईयर में हम लोग क्या क्या चीज करते हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो इन द फर्स्ट ईयर वी जस्ट सेलेक्ट प्लांट्स ऑफ सुपीरियर क्लोन्स, फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं सिलेक्शन, जो सुपीरियर क्लोन है उसको क्या कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सिलेक्शन इज द बेसिक प्रोसीजर वी नीड टू डू सिलेक्शन। अगर आप सेलेक्ट ही नहीं करोगे सुपीरियर क्लोन को जो आपको चाहिए रिजल्ट में, जो मतलब जो भी क्वालिटी चाहिए, तो फिर आगे चल के आप क्या ही रिजल्ट पाओगे। तो जो भी क्वालिटी चाहिए हमको उस हिसाब से हम लोग उस क्वालिटी के बेस पे सुपीरियर क्लोन को सेलेक्ट करेंगे। इन सेकेंड ईयर वी विल इवेलुएट द सिलेक्टेड क्लोन, we will evaluate our selected clone, or you can say we will select cell desirable clones. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, what we are seeing doing here, कि जो भी superior clone को हमने select किया, मान के जो लेट superior clone को हमने select किया for high yield, अब जरूरी नहीं है कि वो सुपीरियर क्लोन को जो सेलेक्ट किया वो प्लांट अगर हाई यील्ड दे रही तो उसके जो आगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो भी हाई यील्ड देगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे। कैसे इवेलुएट करेंगे, जो भी क्लोन है उसको हम लोग सेकेंड ईयर में कुछ उसमें सेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या कैरेक्टर्स जिसके लिए हम लोग चूज कर रहे हैं वो सच में इस क्लोन में है या नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करें इवेलुएशन, अगर वो कैरेक्टर उसमें होगी तो हमने इवेलुएट किया कि नहीं दिस क्लोन इज बेस्ट क्लोन, दिस इज द डिजायरेबल क्लोन। तो उसके बाद जो है उस इवेलुएट करके हम वो डिजायरेबल क्लोन को सेलेक्ट कर देंगे, फिर फर्दर आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। देन इन द थर्ड ईयर वी विल डू प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल विथ सुटेबल चेक, पहला एग्जाम, तो पहला यील्ड ट्रायल दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, तो उसको यील्ड ट्रायल करेंगे और उसको सुटेबल चेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। सुटेबल चेक्स, चेक्स से क्या समझते हैं, हाउ डू वी चेक, तो हम लोग क्या लेंगे एक प्लांट लेंगे, ठीक है, यील्ड के लिए जैसे बात की, तो उस प्लांट की जो भी यील्ड है मान के चलो 10 केजी है, तो उसको एज ए बेस हम लोग जो भी इस जो भी हमने क्लोन को सेलेक्ट किया है उस क्लोन के प्रोडक्ट को या उस क्लोन के जो भी मतलब यील्ड है उसको चेक करेंगे। अगर उस प्लांट का उस क्लोन का भी यील्ड 10 केजी है तो हमें क्या पता चला यहाँ पे कि वी आर लुकिंग फॉर 10 केजी एंड वी आर गेटिंग 10 केजी, तो जो भी कैरेक्टर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं उस कैरेक्टर के साथ उसको मैच करके चेक करेंगे। तो कैसे मैच करेंगे, कहाँ से कंपेयर करेंगे, तो एक डिजायरेबल प्लांट लेंगे जिसका जिसके तरह हम लोग कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं और उस प्लांट को चेक रख कर करके हम कंपेयर करेंगे। दिस इज व्हाट चेक्स इन, चेक्स इज इन्वॉल्व इन, जो भी हम सिलेक्शन करते हैं उसमें चेक्स व्हाट आप भी जब भी समझो तो उसको हम चेक कर रहे हैं, चेक से आप समझो चेक कर रहे हैं कि जो मेरा प्लांट जो प्रीलिमिनरी ट्रायल हमने किया, ठीक है, वो उसका रिजल्ट क्या है। चेक कैसे करोगे आप, कंपेयर करके, किससे कंपेयर करके, जो भी आपको जितना यील्ड चाहिए तो उस प्लांट से कंपेयर करके जिसको जिसको आप एस्पिरेशन रख करके ये सिलेक्शन कर रहे हो। ओके, या फिर जो भी आपने अपना रखा हुआ है डिजायरेबल मतलब गोल्स रखा हुआ कि हमको वो रीच करना है तो वो सब हम लोग चेक करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सुटेबल चेक्स, और ये कहां पर हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गई थर्ड ईयर की बात। अब फोर्थ से एट ईयर हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फोर्थ टू एट ईयर लोग मल्टी लोकेशन ट्रायल्स करते हैं, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स विथ स्टैंडर्ड चेक्स इन रिलीज ऑफ सुपीरियर क्लोन्स एंड न्यू वैरायटी एंड रिलीज देखिए अभी इस चीज को समझिए कि हम लोग एट ईयर में कर दे क्या है। वी डू मल्टी लोकेशन ट्रायल्स मतलब डिफरेंट लोकेशन पे जाकर, मतलब मान के चलो कि आई हैव दिस इज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ए, ओके आई हैव डेवलप्ड उसमें एक मैंने क्लोन सिलेक्शन किया, एक क्लोन को डेवलप किया, उसकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल हम लोग कहां किया जो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ए उसी में किया। अब क्या है कि इस जगह से हम लोग उसके जो रिजल्ट्स हैं या फिर उसके जो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसको अब मल्टी लोकेशन ट्रायल में जाएंगे, मतलब हर एक लोकेशन में उसको हम लोग अलग अलग स्टेट्स में लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना आप ना, हर एक लोकेशन में उसको लेकर के जाएंगे ताकि वो हमको पता चले कि किस लोकेशन में इसके रिजल्ट्स क्या है। अगर हम मान के चलो हो सकता है कि बिरसा, जैसे कि मान के चलो हमने यहाँ पे इसको किया बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ये हमने किया बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ये हमने किया TNU में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने इसको यहाँ पे उसका यील्ड ट्रायल किया, ओके फॉर एग्जाम्पल एमजीबी यील्ड ट्रायल किया यहाँ पे, ठीक है प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल किया। अब हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका काफी अच्छा यील्ड आया, पर जब हम अदर लोकेशन पे जा रहे हैं फार्मर्स के फील्ड पे जा रहे हैं तो वहाँ अच्छा यील्ड नहीं आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर सिलेक्शन। बट अगर मल्टी लोकेशन हर लोकेशन पे फार्मर्स के फील्ड पे जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में जाके ट्राई कर रहे हैं उन सब जगह पे द गुड रिजल्ट्स आर मेंटेन्ड, दैट अगर गुड रिजल्ट्स हर जगह मेंटेन्ड रहे तो दैट इज जो हमने क्लोन सिलेक्ट किया है दैट इज गुड। तो मल्टी लोकेशन ट्रायल्स करेंगे उससे एक्सटेंडेड चेक्स हजार हजार लोकेशन पे हम लोग ट्रायल करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कंपेयर करेंगे, जो मैंने बोला था प्लांट चेक्स में कहा था कि जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव हो रहा है कि नहीं उसको चेक करना है, तो हर एक लोकेशन पे जाकर के वो चीज चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ पे अचीव किया था अपने होम लोकेशन पे क्या वो हर एक लोकेशन पे अचीव हो रहा है या नहीं। तो इस चीज को चेक करने के बाद जो भी अगर ये चेक हो गई मतलब वो हर एक जगह वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, देन वी विल रिलीज दैट सुपीरियर क्लोन। फिर क्या वो सुपीरियर क्लोन को रिलीज कर देंगे, नहीं ये क्लोन अच्छा है, उसको रिलीज करने के बाद क्या होता है नाइन्थ ईयर में जो भी सुपीरियर आउटस्टैंडिंग क्लोन है दैट इज रिलीज एज कमर्शियल वैरायटी, ठीक है न्यू वैरायटी और कौन से कमर्शियल वैरायटी, यहाँ पे जो भी क्लोन हम रिलीज किया उसको मल्टीप्लाई करके अच्छे से ताकि फार्मर्स को उनको पहचाना है उसको जो कमर्शियल वैरायटी हम लोग रिलीज कर देते हैं दैट आउटस्टैंडिंग क्लोन इज रिलीज एज न्यू वैरायटी और कौन से कमर्शियल वैरायटी इन नाइन्थ ईयर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्थ एट ईयर इसलिए क्योंकि मल्टी लोकेशन ट्रायल में हर एक जगह पर ट्रायल करने में दैट इज टाइम टेकिंग, सो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years इसलिए मैं से बोल रहा हूँ, ओके फिर नाइन्थ ईयर में हम लोग जो भी है उसको न्यू वैरायटी को रिलीज कर देंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू लाइक प्लीज डू शेयर प्लीज डू सब्सक्राइब, काफी मैंने तक से प्रोड्यूस कर रेगुलर बेसिस पे आप सब लोग आने के लिए एंड यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस एंड प्लीज डू कमेंट अगर आपको लग रहा है कि कुछ इस आंसर में छूट गया है, इस आंसर में कुछ आपको एड ऑन करना है, फॉर एनी वैल्यू एडिशन टू दिस आंसर प्लीज डू कमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।